हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्रॉम होम विद रचना मैम। अवर टुडेज टॉपिक इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्यूब। यानी कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्यूब क्या होता है वो मैंने आपको बताया था और क्यूब की प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो आज हम लोग उस पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे हम लोग क्यूब के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक वो क्यूब वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे आप देख लीजिए और प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बच्चों, मैं आपके साथ फेसबुक पर भी जुड़ती हूँ, तो फेसबुक का पेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाके पेज को लाइक कर सकते हैं और वहां पर भी आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्यूब। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर क्यूब फाइंड करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है 25, तो इसका क्यूब चलिए फाइंड करते हैं कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था क्यूब क्या होता है हमारा, यानी किसी भी नंबर को अगर हम 3 times मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, 25 का क्यूब फाइंड करना है। क्यूब फाइंड करना है तो इसे मैसे लिखेंगे और इसे हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 times अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 25 का क्यूब बन जाएगा, है ना। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, मैं आपको साइड में यहाँ पर करके दिखाती हूँ। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए, क्योंकि सभी बच्चों को 25 की टेबल नहीं आती होगी इसलिए मैं एकदम नॉर्मल वे में बता रही हूँ। 5 5 25, 5 टू कैरी, 5 टू 10, 11 12, ठीक है। यहाँ पर 2 5 जो 10 कैरी, 1 2 2 जो 4 और 1 5, यहाँ पर 5, 2 और 0 2, 5 और 1 6, यानी 625, यानी 25 इंटू 25 तो हमारा 625 हुआ, लेकिन हमें 3 times मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको एक बार और आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से एक बार और हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 2 जो 10, 11 12 का 2 कैरी 1, 6 5 जो 30 और 1 31 हो गया, ठीक है। फिर नीचे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना तो आप सभी लोग को आता ही है, तो 2 5 जो 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जो 4 और 1 5, 2 6 जो 12, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना होगा, एड करना होगा, तो 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 इज 2, 5 प्लस 1 इज 6, 3 प्लस 2 इज 5 एंड 1, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 1 5 6 2 5, ठीक है। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको एटलीस्ट 20 तक सभी के क्यूब्स लर्न होने चाहिए। 20 तक आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आप एक कॉपी में लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसे लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये आपको आराम देगा, क्वेश्चन को हल करने में आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको 20 तक क्यूब्स लर्न होते हैं तो। चलिए अब हमारा बी वाला देखते हैं। जैसे अगर हमसे कहा गया कि माइनस का 7/15, इसका आपको क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है। तो माइनस का 7/15 का क्यूब अगर फाइंड करना है तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये है माइनस का 7/15 और इसका हम क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था 7 को यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस का 7/15 को भी हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, 3 times, तो 15 इंटू 15 कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर माइनस का इंटीजर होता है, नंबर होता है और उसका अगर क्यूब लगाए तो आंसर हमारा क्या आता है, माइनस में ही आता है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा कितना होता है 49 और 49 7 जा कितना होता है, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, 49 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 9 जा 63, 3 6 कैरी, 7 4 जा 28 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो कितना 34 आ जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 343, तो ये हमारा क्या हो गया 343, लेकिन यहाँ 3 बार माइनस था तो इसलिए हमारा आंसर माइनस का आएगा। यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 जा और फिर उसको फिर से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा, यहाँ पर साइड में मैं कर दे रही हूँ, 15 को पहले आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 फाइव जो कितना होता है 75, 5 7 कैरी, 15 15 में आप 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 16 17 18 19 20 21 22 हमारा आ जाएगा, यानी 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमें इसको और किससे मल्टीप्लाई करना है, एक और बार 15 से करना है ना, क्योंकि यहाँ 3 बार 15 है, तो 2 बार तो मल्टीप्लाई कर लिया, अभी तीसरी बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार और यहाँ पर ही कर लेते हैं इसी के नीचे,
15 से, तो 5 5 जो 25, 5 2 कैरी, 5 2 10, 11 12 का 2 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11, फिर 5 2 2 यहाँ आ गया 5, 5 6 7 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, 3 3 7 5 हमारा यानी आंसर कितना आ गया माइनस का 343 अपॉन में यहाँ पर हमारा आ गया 3 3 7 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों को बच्चों ये समझ में आ गया ना कि अगर माइनस का अगर फ्रैक्शन दिया होता है, माइनस का अगर कोई नंबर दिया होता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और आंसर हमारा हमेशा माइनस में ही आएगा क्योंकि पावर हमारी जो लगी होती है वो क्यूब है, और या कह सकते हैं ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का हमेशा अगर माइनस है तो माइनस का ही आंसर आता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है 0.7 का क्यूब पूछा है। ठीक है, तो 0.7 का क्यूब अगर आप लोग को डेसिमल आता है तो डेसिमल के थ्रू करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ लिखा है 0.7 का क्यूब, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 0.7 × 0.7 × 0.7। तो यहाँ पर देखिए 7 7 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जो 63, 3 6 कैरी, 7 4 जो 28, 29 30 31 32 33 34, यहाँ पर आ जाएगा 343। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 343, लेकिन क्योंकि हमारा ये नंबर क्या है डेसिमल है, तो यहाँ पर हमें कितने नंबर बार पॉइंट लगा हुआ है पीछे से काउंट करते हैं, यहाँ पर 1 नंबर बार, यहाँ पर भी 1 नंबर, यहाँ पर भी 1 नंबर, यानी कि 1 2 3 डिजिट बार हमारे हमें क्या लगाना पड़ेगा आंसर में पॉइंट, तो पीछे से काउंट करते हैं 1 2 3, तो 3 डिजिट बार हम क्या लगाते हैं डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, और आगे हमेशा कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो 0 लिखते हैं, तो 0 लिख दिया। आपको समझ में आया, कुछ नहीं किया क्यूब करने के लिए, हमने 0.7 × 0.7 किया, पहले तो हम 777 को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आ गया 343, फिर क्योंकि ये डेसिमल है तो डेसिमल में जितने नंबर बाद पॉइंट लगा होता उतने मल्टीप्लाई जितने भी हैं उसको हम देख लेते हैं और पीछे से उतने नंबर बाद मल्टीप्लाई पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक नंबर बाद है पॉइंट, यहाँ भी एक नंबर बाद है यानी 2 नंबर हो गए, यहाँ भी एक नंबर बाद है यानी 3 नंबर हो गए, तो 3 नंबर बाद हमने क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा आ गया 0.343। ठीक है, 0.7 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 0.343, इसको 343 नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद नंबर्स को अलग अलग पढ़ते हैं, 343 हो जाएगा ये। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। राइट डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये जो हमारे नंबर दिया हुआ है नीचे 62, हमें इसका क्यूब करना है और इसके वंस के प्लेस का बताना है कि वंस के प्लेस पर क्या डिजिट आएगा। ठीक है, तो वंस के प्लेस के डिजिट को फाइंड करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि 62 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 3 बार मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट हम क्या सर्च कर सकते हैं, ये जो वंस का प्लेस है यहाँ पर 2 जो लिखा है इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद वंस के प्लेस पर जो नंबर आएगा वही नंबर हमारा क्या होगा इस 62 के क्यूब के वंस के प्लेस पर भी आता होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फिर से क्वेश्चन समझिए। राइट डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इस नंबर का हमें क्यूब करना है और वंस के प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखें क्या करना है। तो 62 का होल क्यूब अगर हम करें तो हमें वंस प्लेस का डिजिट बताना है, किसका बताना है वंस, सॉरी ये क्यूब होगा, वंस प्लेस का डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे ये जो हमारा वंस के प्लेस पर 2 लिखा है इसका क्यूब कर देंगे सिर्फ। ठीक है, तो इसका क्यूब करिए, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना, तो 8 अगर आ जाएगा तो हमारा ये 62 के भी वंस के प्लेस पर हमारा क्या आएगा 8 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह से एक और देखते हैं, जैसे हमने कहा कि 14, क्या कहा हमने 14, तो इसका क्यूब करने के बाद हमें इसके वंस के प्लेस का डिजिट बताना है, तो 14 का मैंने क्यूब कर लिया पहले, फिर हमने देखा यहाँ वंस के प्लेस पर 4 है ना, तो वंस के प्लेस का हमें डिजिट बताना है, तो हम सिर्फ वंस के प्लेस का ही क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 जो 16 और 16 4 जो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 16 4 जो 64, तो वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट आया 4 आया, है ना, 64 आया ना हमारा, 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आया 64, तो यहाँ पर देखिए वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है 4 है, तो वंस के प्लेस पर हम कौन सा डिजिट लिखेंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ थर्ड वाला कि 50 का बताइए, तो आप 50 का भी ऐसा ही करेंगे, है ना, 50 का भी अगर आपको बताना है तो आप यहाँ पर 50 लिखेंगे
और 50 का क्यूब करेंगे तो वंस के प्लेस का क्योंकि हमें बताना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वंस प्लेस, तो जीरो का क्यूब कर देंगे। यहाँ वंस के प्लेस पर कौन सी डिजिट है, जीरो है ना, तो जीरो का क्यूब हमेशा जीरो ही हो जाएगा, तो हमारा वंस के प्लेस पर क्या नंबर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। इसी तरह आप एक और देख लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए, फोर्थ वाला, जैसे कि मैंने कहा आपसे 43, ठीक है, तो अब 43 है जैसे, तो इसका क्या करेंगे, वंस के प्लेस का हमें बताना है तो हम सिर्फ वंस के प्लेस का जो नंबर है उसका क्यूब करेंगे। वंस का प्लेस हमारा 3 है तो वंस के प्लेस का क्यूब करिए तो 3 3 9 9 3 27 होता है ना, 3 का अगर हम क्यूब करेंगे कितना आएगा 27, और 27 के वंस के प्लेस पर क्या है 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। बच्चों आपने देखा कि बहुत ही इजी है, तो हम लोग ने ये बहुत ही आसानी से क्यूब फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया कि वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा बिना क्यूब किए हुए, है ना। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप लोग ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ये अपने फ्रेंड्स को भी रिलेटिव्स को भी सजेस्ट कीजिए कि वो मेरे साथ आकर पढ़ें। जैसा कि मेरा नाम आप सभी जानते हैं रचना मैम, तो मैं आपको डेली ही वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। ओके, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, थैंक यू।